मॉर्निंग टू ऑल ट्रस्ट थ्री मेंबर्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग का एक सरप्राइज टेस्ट लिए थे जिनका रिजल्ट तो हमको नहीं पता है, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग का रिजल्ट अच्छा ही हुआ होगा। क्योंकि आप लोग जूनियर पर्सन हैं, इसीलिए आप लोग तो व्हाट्सएप पर शेयर नहीं कर सकते हैं पेज, फिर भी आप लोग को छूट दिए थे कि आप लोग अपने से चेक कीजिएगा, अच्छा से पता कीजिएगा किस प्रकार का आपका रहा है, ठीक है, कैसा रिजल्ट रहा है। तो हम लोग रिवाइज में चल रहे थे, एक छोटा सा टेस्ट आप लोग का सरप्राइज टेस्ट लिए थे हम। आज चलिए कुछ करियर को आगे लेना है, स्टार्ट करना है हमको रिवाइज का लेसन फोर। लेसन थ्री तो रिवाइज करवा लिए थे, लेसन फोर आज स्टार्ट करेंगे, एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर्स में सबसे फर्स्ट आपको दिया है एक्सरसाइज फाइव, जो कि सिंपल सा आप देख रहे हैं, सिंपल सा जोड़ और घटाव दिया गया है। ये सिंपल सा जोड़ घटाव तो हम रिवाइज नहीं करवाएंगे, ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। सिंपल ऊपर नीचे लिख के दिया है, ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे की तरफ दिया है, ये तो आप अपने से कीजिएगा। जहां कुछ डिफिकल्ट है उसको लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव वर्ड में लिख के दिया है और उसको एड करना है, तो ये कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये सब रिवाइज में करवाएंगे जहां पर डिफिकल्ट लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में, एक्सरसाइज फाइव का क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है आपको, फाइव का एम है एड द नंबर्स, और नंबर दिया हुआ है 11,000 फिर है 500 फिर है 300 और 20,000 एंड 1। आपको यह एड कैसे करना है पहले ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, कॉमा के साथ 12,000 एंड 11, तो 12,000 11 लिख देना है आपको। सेकेंड कॉमा में क्या है, 5,000 आपको लिखना है, या कॉमा है, फिर है 300, फिर आपको 300 लिखना है, फिर है 20,001, तो 20,001 लिखना है आपको। इस प्रकार से बैठाने के बाद तब एड का साइन मारना है और एड करना है, क्लिक कीजिए। ये आपका आंसर हो गया 37,312, लेकिन इसको वर्ड में भी लिखना है, क्योंकि वर्ड वाला हम एड कर रहे हैं, इसलिए वर्ड में लिख देना है, लिख देंगे नीचे में 37,312, ठीक है। प्लस करने के बाद आपको वर्ड में भी लिख देना है, क्योंकि वर्ड वाला एड है, वर्ड में लिख देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, सो देखिए, फिर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर सिंपल जोड़ है, 10 नंबर 11 नंबर तक 12 नंबर, फिर यही वर्ड में लिखा हुआ ये एड करना है, जैसे अभी एड बताया है सेम 12 नंबर वैसा है। 13 नंबर और 14 नंबर ये दोनों हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ए नंबर 4, 2, 3, 1, 5, 6 प्लस डैश बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 4, 2, 3, 1, 5, 6। हम क्या देख रहे हैं, बराबर के इधर दो नंबर है और बराबर के इधर एक नंबर है, इधर 4, 2, 3, 1, 5, 6 4, 2, 3, 1, 5, 6 इधर भी है, इधर भी है, तो इधर क्या नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, या लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आंसर होगा आपका, समझ लिए। उधर दो नंबर है, इधर भी दो नंबर होना है, एक नंबर दिया है एक नंबर नहीं दिया, दो नंबर को भर देना है,
तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा इसका। उसके बाद 14 नंबर दिया है एड इन थ्री डिफरेंट वेज, तीन विभिन्न तरीकाओं से आपको जोड़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। कैसे जोड़ना है सो देखिए, जैसे आपका ए नंबर दिया हुआ है 2, 3, 1, 8 एंड 7, तो सबसे पहले हमको 1 लिखना है, ऐसे तीर दिए, फिर 2 है, पहला जो है उसको लिखना है, उसके बाद 3 है, 3 लिखना है, ये दोनों को ऐसे तीर के द्वारा जोड़ेंगे, थ्री और टू मिलकर 5 होगा। अब 5 में क्या करेंगे हम, इस प्रकार से आगे ब्लड जोड़ेंगे, आगे 1 है, 1 जुटा तो 6 आया, अब 6 में क्या करना है, उसका आगे वाला को लेके जोड़ेंगे, तो 1 तो दे दिए हैं, उसका 8 आया, 8 लेंगे तो 8 और 6 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 14 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 के बाद क्या है, 7 है, 7 जोड़ेंगे, 14, 26 और 21 हो गया। ये जो लास्ट में आ गया टोटल, यही मेरा आंसर हो गया। इसको बोलते हैं एड ऑफ थ्री डिफरेंट वेज, ठीक है, एड ऑफ थ्री डिफरेंट वेज। इस प्रकार से आपको एडिशन करना है, ये फर्स्ट तरीका हो गया। अब इसमें सेकेंड तरीका देखिए, सेकेंड तरीका होगा इसका, जैसे कि है 2, आपको दिया है 2, 2, 3, 1, 8, 7 ऐसा दिया गया है, तो लिखेंगे ऐसे हम इस प्रकार से, टू और 1 मिलके 3 होगा, 3 और 8 मिलके 11 हो जाएगा, ठीक है, 3, 8 मिलके 11 हो जाएगा, 11 और 7 मिलके 18 हो जाएगा, 18 और 3 मिलके 21 हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड वेज इस प्रकार से। और तीसरा वे है, तीसरा वेज और फर्स्ट वेज तो लगभग एक ही जैसा है, लिख देना है पहले 2, 3, 1, 8, 7 2, 3, 1, 8, 7 करते क्या है, यहां भी थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिए, इसको यहां लेना है, इसको करते क्या है, इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब 11, 3, 14 हुआ, 14 में फिर आके इसको कैसे जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 21। ये सेकेंड वेज का हो गया। इसमें करना क्या है, ये दोनों पहले ले लेंगे, कितना हो जाए 8, 7, 15
फिर 15 को 15 एक 16, फिर 16 को 16 तीन 19, फिर 19 को 21। ये तीन डिफरेंट तरीका है, एक तरीका, दो तरीका और तीसरा तरीका, थ्री डिफरेंट वेज। ठीक है, किस प्रकार से बनाना है। अब आपको ये सिंपल जोड़ घटाओ सौ है, इसको अधिक रिवाइज नहीं करवाएंगे हम, एक्सरसाइज 6 में करेंगे, लेकिन 4-5 आपको रिवाइज करके घर से आना है एक छोटा सा टेस्ट के लिए। चलिए लिखिए होमवर्क। होमवर्क है एक्सरसाइज 4 and 5 रिवाइज फॉर स्मॉल टेस्ट। ठीक है, यह हम क्लियर करना है और ऐसे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज टेस्ट देते चलना है ताकि मेरा भी तैयारी अच्छा से चले। और एग्जाम में स्कूल का एग्जाम का दे दिया गया है शेड्यूल, आपको एग्जाम भी देना है स्कूल में और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लें। ओके,